नमस्कार, मैं हूं दिबांशली मोइत्रा। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और अब तक पूरी दुनिया में कोरोना से मरने और संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ ही रही। हर दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 2,15,000 नए मामले सामने आए और 5,311 लोगों की मौत हुई। कोरोना मीटर के अनुसार दुनिया में 1,34,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,80,000 के पार पहुंच गई। राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और अब तक 78,00,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में अभी भी 50,00,000 एक्टिव केसेस हैं और इनका इलाज जारी है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहाँ अब तक 35,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,39,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। वहीं ब्राजील में भी कोरोना का कहर बरकरार है। ब्राजील में 19,00,000 से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित हैं। ब्राजील के बाद भारत और रूस में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही। ब्राजील, रूस, स्पेन, यूके, इटली, भारत, पेरू, चिली, ईरान, मेक्सिको, पाकिस्तान, टर्की, अरब, साउथ अफ्रीका और जर्मनी में कोरोना मामलों की संख्या 2,00,000 के पार पहुंच गई। वहीं बांग्लादेश में भी 1,90,000 से ज्यादा मामले सामने आए। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया, जबकि सबसे ज्यादा मौत की लिस्ट में 8वें नंबर पर है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है दुनिया में कोरोना का और क्या कर रहा है कोरोना।